જય શ્રીમન્નારાયણ ગુરુજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. સુરતથી છે અમે. કેમ છો? ઠીક છો. ઠીક છો. મેરે દો પ્રશ્ન હૈ. એક તો આપ સદા ના બોલતે કે સાલીગ્રામ દો હોને ચાહીએ જોડી મેં, વો ક્યું? મેરે ઘર પે તો એક હી હૈ. એક ઓર રખ લીજીએ. અચ્છા, વો દો કી જોડી ક્યું? ક્યું સમ સંખ્યા મેં રખતે હૈ, દો ચાર છ આઠ દસ સોલા સમ. અચ્છા, और दोनों सेम साइज के हो? साइज का लेना देना नहीं, छोटा बड़ा साइज चलता है. सम संख्या सम. ओके, दो चार छः आठ. ओके. और दूसरा प्रश्न ये है गुरु जी के मनुष्य के सात जन्म होते हैं क्या? कितने? साठ. हाँ, सात सात सेवन सेवन. नहीं, जन्म तो सात जन्म तक पति पत्नी वाला तो नहीं पूछ रहे. वो तो, बोलते हैं ना, सात जन्म तक तुम ही मेरी पत्नी बनोगी. तो आप अच्छी पत्नी है तो बोलते होंगे पति आपके. हाँ, तो बोलते कुछ पति तो एक ही में परेशान हो जाते हैं. नहीं, मेरे अच्छे भी है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्या कंटिन्यू सात जन्म होते हैं क्या? हाँ, आप अच्छे से रहेंगे तो भगवान करेंगे सात जन्म तक साथ देंगे, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, भगवान की शरण में रहेंगे तो भगवान देखो सब दे सकते. और गुरु जी आप ना आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसे ही भक्ति करते रहे. कथा अच्छी लगी आपको? कथा तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और सबसे अच्छी बात यह लगती है कि वो आप बोलते हैं ना समर्पण का भाव, संपूर्ण रूप से आप भगवान के शरणों में चले जाए, फिर कुछ भी चिंता मत कीजिए, सब करेंगे वो भगवान करेंगे, वो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है. वो उन्होंने टेंशन नहीं रखती से जरा भी. और मेरे पतिदेव को भी ना गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए कि वो भी ना अच्छे से रहे. उसको ना गुस्सा बहुत आ जाता है, फिर वापस तुरंत शांत भी हो जाता है, लेकिन गुस्सा बहुत करते हैं. कोई बात नहीं, कथा सुनते रहेंगे वो भी चला जाएगा. मैं क्या करती हूँ गुरु जी, सुबह सुबह मैं कथा स्टार्ट कर देती हूँ आपकी. सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन बड़ी आवाज में कथा तो सुननी ही पड़ेगी उनको. धीरे धीरे ही सही वो कान के अंदर जाएगी तो प्रभाव दिखाएगी. हाँ, और गुरु जी एक भजन में गा सकती हूँ, दो लाइन सिर्फ अपना गाते हैं ना वो. राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपिया, राधा नाचे 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 कृष्ण नाचे नाचे नाचे, नाचे गोपिया. मन मरो मन मोहिर गयो, मन मरो मन मोहिर गयो, मुरली वाला माँ मुरली वाला माँ, मुरली वाला माँ. जय श्री नारायण. बहुत सुंदर. गुरु जी ये मेरी बेटी है, इसको ना दो लाइन आपके लिए वो सुना रही है. जब से आंगन में पधारे हो गए, जीवन में उजाले चमके, खुशियों के सितारे गुरुदेव तुम मिले, गुरुदेव तुम मिले, निर्मल चारित्र तुम्हारा, अज्ञान हरने वाला आत्यम को सुख का तारा. गुरुदेव तुम मिले, गुरुदेव तुम मिले. गुरु जी मुझे एक प्रश्न है कि राधा जी में और रुक्मणी जी में क्या अंतर है? राधा जी और रुक्मणी जी में यही अंतर है कि रुक्मणी जी हैं भगवान की पत्नी लक्ष्मी. रुक्मणी जी लक्ष्मी का अवतार हैं और श्री राधा रानी महालक्ष्मी का अवतार हैं. लक्ष्मी और महालक्ष्मी, लक्ष्मी और महालक्ष्मी में इतना अंतर है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो भगवान के संग मृत्यु लोक में आती हैं हर लीला में, जैसे सीता बनकर आई. परंतु जो महालक्ष्मी है वो कभी आती नहीं है, केवल द्वापर में कृष्ण के संग, कृष्ण भगवान के कहने पर, विशेष आग्रह पर महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के पहली बार राधा रानी के रूप में आई हैं. तो ये आती नहीं है. तो महालक्ष्मी है राधा, रुक्मणी जी हैं लक्ष्मी. और गुरु जी मेरी जेठानी की बेटी है, वो ना कैनेडा पढ़ने के लिए जा रही है. उसने एक प्रश्न किया है आपसे कि वो पढ़ने के लिए तो जा रही है, लेकिन उसको रुचि तो है हमारे धर्म में ही है, तो मैं वो वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रही है, तो वो कौन से प्रिंसिपल पे चले कि वो यहाँ की वो
भूले नहीं, वो उनसे बोलना कि वो जहाँ हैं वहाँ कथाएं सुनते रहें, थोड़ा थोड़ा सत्संग, एक घड़ी आधी घड़ी सत्संग जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा रोज सुनेगा वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे रास्ता कभी भटक ही नहीं सकता। और गुरु जी आप उसे भी आशीर्वाद दे दीजिए कि वो अच्छे से पढ़ के आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जय श्रीमद नारायण। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरे पिताजी का पिछले साल 4 सितंबर को देहांत हो गया था, और पिछले महीने मेरे माँ के सपने में आए और उनको बोले कि मेरे को कहीं जगह नहीं मिल रही है, आप वृंदावन जाइए और वहाँ भंडारा करवा के आइए। तो इधर आए हैं सर, भंडारा तो करवा दिया, लेकिन ऐसा सर क्यों है कि उनको ये बोलना पड़ा कि उनको जगह नहीं मिल रही है, और अब क्या देखिए ये कितना बड़ी बात है कि इनके पिताजी जो चले गए हैं अब नहीं है ना धरती पर, नहीं है सर, उन्हें स्वप्न में आके कहना पड़ा कि गौरी गोपाल आश्रम जा कर के भंडारा कराइए। अन्न दान करने से ही जब आप अन्न साधु संत वृंदावन में खाते हैं तो संतों के द्वारा उनके खाते में उनको वहाँ प्राप्त होता है, फिर उनको स्थान वहाँ मिलेगा, उनकी सदगति तब होगी, इसलिए अन्नदान। तो आपके पिताजी के नाम से आप अन्नदान जो कर रहे हैं उसी से उनकी सदगति होगी। जी गुरु जी, ठीक तो, है और अब मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा? मैंने आप तो देखिए जो कर सकें अपने पिता के लिए, आप जो कर सकें, आप पुत्र हैं, जो कर सकें अधिक से अधिक वो आप कर सकते हैं। जी गुरु जी, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद। पर देखिए ये भी एक आश्चर्य है ना कि मैंने पिछली बार भी एक सज्जन ने बताया कि उन्होंने, उनके पिताजी ने स्वप्न में कहा कि गौरी गोपाल आश्रम जाइए, वहाँ मेरे नाम की भागवत जी की पोथी कराइए, उन्होंने कहा जो मृत हो चुके हैं, स्वप्न में कहा। तो मतलब जो वृंदावन में यहाँ सेवाएँ चल रही हैं वो केवल जिंदा लोग नहीं सुन रहे हैं, जो नहीं है धरती पर वो भी सुन रहे हैं।